पहाड़ के युवा लगातार स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी स्वरोजगार को लेकर युवाओं को पूरा सहयोग दिया है। इससे पहले लॉकडाउन में कई युवा पहाड़ लौटे और उन्होंने स्वरोजगार अपनाकर एक नई इबादत लिख दी। अब चंपावत के नीरज ने जो काम किया उसकी तारीफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की है। बकायदा उनकी खबर को सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है। जी हाँ, फ्रांस से उच्च शिक्षा प्राप्त कर उत्तराखंड के चंपावत जिले के नीरज जोशी के काम की चारों ओर तारीफ हो रही है। इस युवा की पहल मुख्यमंत्री धामी की नजरों में भी आई। वहीं धामी ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर नीरज जैसे युवाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की है। आपको बता दें, पंतनगर विश्वविद्यालय से MSc और मॉन्टप्लेयर सुपेग्रो फ्रांस से MS की पढ़ाई करने के बाद नीरज जोशी उत्तराखंड लौट आए। उन्होंने उत्तराखंड की मौजूदा परिस्थितियों को समझने के बाद चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक सुदूर करौली गांव में होम स्टे बनाने का फैसला लिया। होम स्टे बनकर तैयार है और पहली आमद विदेशों से भी हो चुकी है। नीरज बताते हैं, मेरे काम के बारे में सोशल मीडिया के जरिए जब फ्रांस के दोस्तों को पता चला तो उन्होंने ही कुछ लोगों को मेरे पास भेजा। वो लोग एक समूह में यहाँ आए। करीब एक हफ्ता उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में रहने के बाद करौली के इस होम स्टे में ठहराया गया, जहाँ से जाते समय वो लोग बेहद खुश थे। उन्हें पहाड़ों की आबोहवा बेहद पसंद आई। वही नीरज जोशी बताते हैं कि फ्रांस जैसी जगह से पढ़ने के बाद वापस अपने पुश्तैनी गांव लौटकर शून्य से किसी काम की शुरुआत करने का फैसला आसान नहीं था। फ्रांस में विचार किया, इसके बाद रोजगार के कई मौके भी आए, लाखों की कमाई करने के रास्ते भी सामने थे, लेकिन उत्तराखंड के लगाव को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा था। ऐसे में वापस भारत आकर कुछ दिन विचार किया, फिर करीब 30 साल पहले पूर्वजों द्वारा बंजर छोड़ी गई जमीन को आबाद करने का सोचा। होम स्टे एक जरिया भर है, असल में इसके जरिए ग्रामीण उत्तराखंड को रोजगार देना प्राथमिकता है। साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन की ख्याति पूरे विश्व में पहुंची इसकी कोशिश कर रही हैं। नीरज कहते हैं, कृषि से जुड़ी उनकी पढ़ाई इस काम को आगे बढ़ाने में बेहद कारगर साबित हो रही है। वो यहाँ किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर, मिक्स एग्रीकल्चर, औषधियों की खेती से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को साझा करते हैं और उन्हें परंपरागत खेती के अलावा नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वही नीरज के इस काम की पूरे उत्तराखंड में अब तारीफ हो रही है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।